झारखंड वासियों को बारिश के लिए अब अगले सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। मानसून फिलहाल बिहार के पूर्वी हिस्से अररिया, पूर्णिया तथा बंगाल के पूर्वी हिस्से सिलीगुड़ी के आसपास रुका हुआ है। इसके कारण 18-19 जून को आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के लोगों को फिलहाल 2 से 3 दिनों तक और गर्मी झेलनी पड़ेगी। रांची में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो कि चिंता की बात है। इस समय रांची का अधिकतम तापमान सामान्यतः करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहता था। वहीं डॉक्टर अभिषेक आनंद का कहना है कि 16 से 17 जून को लू की स्थिति बनी रहेगी। लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। गुरुवार को गोड्डा का अधिकतम तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और मेदिनीनगर में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि जमशेदपुर में उस दौरान हल्की बारिश भी हुई। वहीं लोहरदगा में लगभग 14 मिलीमीटर बारिश हुई है। 17 जून को कुछ इलाकों में वज्रपात होने की आशंका व्यक्त की गई है, लेकिन फिलहाल 2 से 3 दिनों तक झारखंड के लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।